जो है वो बड़े अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अब तक हम लोगों ने जेके एसएसबी का जो सिलेबस है स्पेशलाइजेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया है, साथ साथ हम लोग कंप्यूटर के जो जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे भी काम कर रहे हैं साथ साथ। इसके अलावा रीजनिंग जो है उसके भी बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, और साइंस में अब हम लोगों के दो टॉपिक्स रह जाते हैं। तो आज हम लोग इसी एक टॉपिक पे बात करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। अभी भी 71% ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सिर्फ एक क्लिक से आप लोगों को तक नोटिफिकेशन फिर आराम से पहुंच सकती है कि कौन कौन सी वीडियो जो है वो आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो है अपलोड हो रही है। तो आज चलिए एक अहम सा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक कौन सा है हम लोगों का, ये आप सबने सुना होगा, दैट इज इको सिस्टम। आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। किस पे बात आज करेंगे? इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम से पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज ले लेते हैं। लेट अस टेक, यहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप लोग ले सकते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात यहाँ पे हम लोग कहते हैं। प्लांट्स ले लो, एनिमल्स ले लो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ले लो, या कोई और ऑर्गेनिज्म, इसकी इर्द गिर्द अगर एबायोटिक पाए जाते हैं यानी नॉन लिविंग, जैसे यहाँ पे एयर है, जैसे यहाँ पे वाटर है, जैसे यहाँ पे सॉइल है, जैसे यहाँ पे लाइट है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं। जैसे इस समय आप लोग मोबाइल से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास वहां पे आसपास लाइट भी होगी, आसपास जो है टेम्परेचर भी होगा आपके रूम में, वहां पे एयर भी होगी, यानी वो सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स है। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं बायोटिक, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो फंजे हो, चाहे वो मुनीरा हो। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग पाई जाए उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? एनवायरमेंट। क्या कहते हैं? एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट में दो चीजें आती है, एक आती है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरी वाली कौन सी आती है? एबायोटिक कंपोनेंट। एनवायरमेंट जो है ये निकला है वर्ड एक से एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट मींस एन सर्कल, या जिसे आप लोग सिंपली कहते हो सराउंडिंग्स, यानी आपके इर्द गिर्द जो कोई भी चीज पाई जाती है दैट कंस्टिट्यूट्स योर एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट जो वर्ड है तो एनवायरमेंट को क्वीन करने वाला था जिसने इसको सबसे पहले यूज किया, किस वर्ड को? एनवायरमेंट को। तो तवज्जो रखिएगा, बार बार एक क्वेश्चन आप लोगों के आ जाता है, जेके एसएसबी हो, यूपीएससी हो, आप लोगों का नीट एग्जाम हो, आईआईटी हो या नेट और सेट, ये जो एनवायरमेंट वर्ड है ये किसने क्वीन किया है? क्वीन करने वाला है, साइंटिस्ट का नाम था थॉमस कैरायल, ये साइंटिस्ट था जिसने अब इसको क्वीन किया है। किसको क्वीन किया है? एनवायरमेंट से। तो थोड़ा आगे चलते हैं, आगे अगर हम लोग यहां पे ले लें, लेट अस टेक, अगर यहां पे हम लोग ले लेते हैं वाटर, वाटर नॉन लिविंग है, एबायोटिक है, कार्बन डाइऑक्साइड एबायोटिक है, लाइट एबायोटिक है, ये तीनों चीजें एबायोटिक है। आप अगर इन तीनों चीजों का इस्तेमाल किया प्लांट्स ने, प्लांट ने लाइट का इस्तेमाल किया, वाटर का इस्तेमाल किया, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया, क्या बनाने के लिए? C6H12O6 ग्लूकोज, यानी यहां पे अगर आप लोग देखोगे इंटरैक्ट हुआ किसका? बायोटिक का। किनके साथ? एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ। किस लिए? दो चीजें हासिल करने के लिए। पहली वाली चीज जो हासिल यहां पे करनी है वो हासिल करनी है एनर्जी, दूसरा वाला जो इस्तेमाल करनी है चीज वो हासिल करनी है मैटर। यानी अगर इंटरेक्शन अब होता वो किन किन के दरमियान? लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान, यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान। अब देखिएगा, प्लांट ने ग्लूकोज को खुद प्रिपेयर किया, अब इस प्लांट में जो हम लोग ले लेते हैं ग्लूकोज है, अब अगर इनको खा लिया प्लांट, उसको किसने खा लिया? एनिमल्स ने। यहाँ पे आप लोग देखिए इंटरेक्शन किन किन के बीच में होता है? प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। यहाँ पे पहले बायोटिक और एबायोटिक के दरमियान इंटरेक्शन होता था, किसके लिए? फॉर ऑब्टेनिंग मैटर एंड एनर्जी। यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान इंटरेक्शन होता है किसके लिए? फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड मैटर। देखो अभी आप लोगों को भूख लगी, भूख लगी तो आप लोगों ने ब्रेड का इस्तेमाल किया, आपने बिस्किट का इस्तेमाल किया। अब ये जो ब्रेड और बिस्किट है ये है एबायोटिक, लेकिन हासिल करे हम लोगों ने प्लांट्स ने उनके फ्लोर से, यानी जब भी इंटरेक्शन होता हो बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक और बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्हाट वी एट दैट टाइम कॉल इट एज, यू कॉल इट एज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कहते हैं इसको। तो चलते हैं हम आगे,
यानी इकोसिस्टम हम लोगों ने कहा एनवायरमेंटल कंपोनेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, यानी लिविंग नॉन लिविंग से या लिविंग लिविंग से कैसे फायदा उठाता है, उसे हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो वर्ड है इसको कोइन किया है, यानी जिसने इस वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किया उसका नाम था एजी टेंसले। इसने इस वर्ड को सबसे पहले कोइन किया है 1935 में। सिंपलेस्ट याद रखिएगा, इकोसिस्टम हम लोग कहते हैं इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है ना, एंड बायोटिक एंड बायोटिक टॉकिंग क्या ताकि ताकि हासिल हो सके एनर्जी एंड एनवायरमेंट, या सिंपलेस्ट डेफिनेशन दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन द एनवायरमेंटल कंपोनेंट इज व्हाट वी कॉल इट एज इकोसिस्टम। दिस इकोसिस्टम वाज कोइनड बाय साइंटिस्ट एजी टेंसले। इफ वी स्टडी अबाउट नाउ व्हाट वी स्टडी इकोसिस्टम दैट इंटरेक्शंस के बारे में अगर पढ़े दैट साइंस हियर इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। व्हाट वी एट दैट टाइम कॉल इट एज इकोलॉजी। इकोलॉजी इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोलॉजी जो है इसको क्वीन करने वाला था, जिसने इसको क्वीन किया इस वर्ड को उसका नाम था अर्नेस्ट हैकल। अब स्टडी ऑफ इकोसिस्टम व्हाट वी कॉल इट एज, वी कॉल इट एज इकोलॉजी। दिस इकोलॉजी हैज टू ब्रांच दैट इज वन इज कॉल्ड एज ऑटो इकोलॉजी एंड सेकंड वन इज सीड इकोलॉजी। दीज आर द टू ब्रांचेस ऑफ द इकोलॉजी That is auto-ecology and scene-ecology. अगर हम लोग एक ऑर्गेनिज्म एक स्पीशीज के इंटरेक्शन के बारे में पढ़े then it is auto-ecology. अगर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ then it is called as scene-ecology. अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम लोगों का अब है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, यानी हम लोगों का इकोसिस्टम जो है ये किस चीज से बना हुआ है। क्योंकि हम लोग अभी कह रहे थे इकोसिस्टम में इंटरेक्शन होता है बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, सो इस स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में पहला कंपोनेंट जो आएगा दैट वुड बी एबायोटिक, और जिसे हम लोग कहते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट, व्हाट वी कॉल इट एज नॉन लिविंग कंपोनेंट। Abiotic और non living components ये हम लोग कहते हैं non living substances जो ecosystem में पाए जाते हैं, जैसे हम लोग air का इस्तेमाल करते हैं, water का इस्तेमाल करते हैं, soil का इस्तेमाल करते हैं, light का इस्तेमाल करते हैं, सारे के सारे क्या है ये है abiotic components। अब इस abiotic और non living component में पहले वाला component जो आ जाता है वो आ जाते हैं inorganic components। क्या आ जाते हैं inorganic components? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है एक्सेट्रा। ये तो पहली वाली बात होगी। सेकंड वन दूसरे वाला कंपोनेंट जो हम लोग ले लेंगे यहां पे दैट वुड बी यहां पे ऑर्गेनिक कंपोनेंट, यानी ऑर्गेनिक की अगर हम लोग बात करें, ऑर्गेनिक हम लोग कहते हैं जब कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस एनी एलिमेंट टूगेदर हो, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, ह्यूमस है, lipids है, these are called as organic components. So पहले वाला component कौन सा हुआ? Inorganic component. Second one organic component. ये दोनों कौन से abiotic component? इसके बाद तीसरा component जो हम लोग ले लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं climatic components. अब climatic components में हमें rain आ जाती है, हमें light आ जाती है, हमें temperature आ जाता है, हमें air आ जाता है. These comes in the किसमें ये आ जाते हैं दैट इज क्लाइमेटिक कंपोनेंट में। जैसे बारिश जब होती है बारिश का पानी दरियाओं में पहुंचता है, बारिश के पानी जब जमीन के अंदर जाता है तो प्लांट्स उसका इस्तेमाल करते हैं, आप लोग बारिश का पानी पीते हो, यानी वो किसमें आ जाता है क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स में। सो दूसरा इसके बैक ले लेते हैं एडैप्टिव फैक्टर और एडैप्टिव कंपोनेंट। एडैप्टिव कंपोनेंट, अब ये जो एडैप्टिव कंपोनेंट यहां पे है तो इसमें क्या आ जाती है सॉइल, मिट्टी जो है, क्योंकि मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं कौन प्लांट्स, सो ये भी एक फैक्टर आ जाता है एबायोटिक फैक्टर। इसी तरह दूसरा हम लोग ले लेते हैं मिनरल्स, या हम लोग ले लेते हैं एक एरिया की टोपोग्राफी, ये किसमें हम लोग ले लेते हैं व्हाट वी कॉल इट एज एडैप्टिव कंपोनेंट्स।
यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स अब हम लोग उन्हें कहे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, क्लाइमेटिक कंपोनेंट एंड एडियाबेटिक कंपोनेंट। ये तो पहले वाला आप लोगों का कंप्लीट हुआ। ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को इसको शॉर्टकट एक ट्रिक बताता हूं। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, सारे तवज्जो रखे एक सेकंड यहां पे। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम सिंपली हम लोग कहते हैं इंटरैक्शन, यानी फायदा उठाना इंटरैक्शन ऑफ एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स। ध्यान रखिएगा यहां पे, यानी लिविंग का नॉन लिविंग से या लिविंग का लिविंग से फायदा उठाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का पहले वाला कंपोनेंट कौन सा आ गया, एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमने लिया इनऑर्गेनिक, दूसरा जो हमने लिया दैट इज ऑर्गेनिक, तीसरा जो हम लोगों ने लिया क्लाइमेटिक, चौथा जो हमने लिया एडियाबेटिक। ठीक है ना, अब यहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो चारों के चारों कंपोनेंट्स है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, क्लाइमेटिक कंपोनेंट है, एडियाबेटिक कंपोनेंट है, ये हासिल होते हैं तीन चीजों से, या तो हासिल होते हैं एटमॉस्फेयर से या प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, दूसरा ये प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोस्फीयर में, यानी पानी का हिस्सा जो हमारे एनवायरमेंट का है, या ये हासिल होते हैं लिथोस्फीयर से, यानी इन चीजों से हासिल होते हैं ये वाले कंपोनेंट्स। उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट हम लोग बच्चा ले लेते हैं वो है बायोटिक कंपोनेंट। याद रखना, बायोटिक और हम लोग कहते हैं लिविंग कंपोनेंट्स, यानी हमारे माहौल में हमारे आसपास जो चीजें पाई जाती है, लिविंग थिंग्स जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट और लिविंग कंपोनेंट, इसको हम लोग कहते हैं। अब इस बायोटिक कंपोनेंट या लिविंग कंपोनेंट को ये क्या करते हैं, बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट, ये इनका इस्तेमाल करते हैं, एयर का इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं, लाइट का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि एनर्जी और मैटर को हासिल कर सके। सो पहला याद रखिएगा ध्यान यहां पे। सो पहले वाला कंपोनेंट जो बायोटिक कंपोनेंट आ जाता है, जिनको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर्स, और जिनको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, और एक नाम से किससे जानते हैं, ऑटोट्रॉफ्स से। अब देखिएगा ये ऑटोट्रॉफ्स किनको कहते हैं या प्रोड्यूसर्स, ये हम लोग उन ऑर्गेनिज्म्स को कहते हैं जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। ये मत सोचना कि हम लोग किचन में अपना खाना खुद तैयार करते हैं तो हम प्रोड्यूसर्स है, नहीं, ऐसी गलती कभी नहीं करना। हम लोग प्रोड्यूसर्स उन ऑर्गेनिज्म्स को कहते हैं जो इनसे हासिल करें अपना खाना, जैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स वाटर और लाइट का इस्तेमाल करते हैं और बनाते क्या है यहाँ पे C6H12O6। यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो अपना खाना खुद तैयार करे फ्रॉम द एबायोटिक कंपोनेंट्स, उन्हीं को आप लोग कहते हैं प्रोड्यूसर्स। अब ये जो प्रोड्यूसर्स है, इनके दो टाइप्स है। पहले वाला टाइप जो इनका है, जिनको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ। अब ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स किसको कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस से या सनलाइट से अपना खाना तैयार करे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे इसमें प्लांट्स आ जाते हैं, जैसे इसमें एल्गे आ जाते हैं, जैसे इसके अंदर डायटम्स आ जाते हैं एक्सेट्रा, अब वो क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। अब दूसरे वाला जो है कीमो ऑटोट्रॉफ। अब याद रखिएगा यहां पे, ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स किनको हम लोग कहते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं लेकिन सनलाइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, विदाउट सनलाइट जो है अपने लिए एनर्जी हासिल करते हैं, जैसे हमारे पास है सल्फर बैक्टीरिया, जैसे हमारे पास है राइजोबियम, यानी ये वो वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है ना, तो चलते हैं दूसरे वाले की तरफ, जिनको आप लोग कहते हो यहां पे व्हाट यू कॉल देम एज कंज्यूमर्स, और हम लोग उनको कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। आप देखिएगा यहां पे, लेट अस के हम लोग एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एक शीप को आप लोग ले ले, शीप अपना खाना खुद तैयार नहीं करती है, वो घास खा लेती है, यानी घास से वो अपने लिए खाना हासिल करती है। आप में से अगर कोई
गोश्त खा लेता, आप लोग शीप का गोश्त खाते हो, यानी दूसरे से अपने लिए खाना हासिल करते हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स ऑफ टीडो प्रॉपर्स, यानी जो अपने लिए खाना जो है हासिल करे दूसरे से खाके, उन्हें आप लोग क्या कहते हो यहाँ पे, कंज्यूमर्स ऑफ टीडो प्रॉपर्स। अब इनके हमारे पास टाइप्स है, पहले वाला टाइप जो है प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर स्कीम को कहते हैं जो खा लेते हैं, जो किसको खा लेते हैं, ग्रास को, शीप है, काऊ है, डियर है, ठीक है ना, जिराफ है, वो किसमें आ जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर में। दूसरी वाली जो आ जाती है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम लोग दूसरा नाम यहां पे कहते हैं, व्हाट वी कॉल देम एज कार्निवोर्स, यानी जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हो, यानी गोश्त खाते हो, लाइन की बात करें, लाइन को आपसे दोस्ती हुई, आप लोग उसको कहोगे घास खा लो, वो कहेगा नहीं मुझे घास नहीं खानी है, मुझे हर दिन गोश्त चाहिए। वैसे ही टाइगर की बात करें, वो आ जाता है इस कार्निवोर में। तीसरी वाली चीज जो ले लेते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं टेरिस्ट्री कंज्यूमर्स, और हम लोग उन्हें ओमनिवोरस भी कहते हैं। देखिएगा टेरिस्ट्री कंज्यूमर किसको कहते हैं, इसको जो मिले वो खा लेता है। जैसे आपको, आपको अगर चावल मिलता है, रोटी मिलती है तो खाते हो, आपको अगर गोश्त मिलता है तो खाते हो, यानी वो वाले ऑर्गेनिज्म्स जो हासिल करे खाना, किन से, प्लांट से भी और एनिमल से, जैसे मैन है, जैसे डॉग है, जैसे बियर है, ठीक है ना। यहाँ पे इसी तरह हम लोग फिर ले सकते हैं टॉप टॉप जो है कंज्यूमर। पहले आ गया यहाँ पे बायोटिक में प्रोड्यूसर, दूसरे वाला जो आ गया कंज्यूमर, चलिए तीसरा ले लेते हैं जिनको आप लोग कहते हैं डिकम्पोजर्स, और जिनको आप लोग और एक नाम कहते हैं सेफ्रोट्रॉफ्स। बार बार ये क्वेश्चन आ जाता है, देखिएगा कहीं पे काकर छोड़ दो किसी जमीन के ऊपर, 10 दिन बाद आप लोग देखोगे कागज कहीं नहीं होगा, वो गया कहां, किसी ने तो चुरा के तो नहीं लिया, नहीं, वहां पे बैक्टीरिया होते हैं, वहां पे फंजे होते हैं, वो इनको ब्रेक डाउन करते हैं, जब ब्रेक डाउन किया तो उसके बाद उससे खाना हासिल करते हैं। इन्हें और एक नाम हम लोग कहते हैं नेचुरल क्लीनर्स, यानी ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो पहले खाने को ब्रेक डाउन करते हैं जिस्म के बाहर, उसके बाद इनको खा लेते हैं, डिकम्पोजिंग मटेरियल से अपना खाना हासिल करते हैं, जैसे हमारे पास फंजे है, जैसे हमारे पास बैक्टीरिया है। ये तो यहाँ पे आप लोगों का सिंपली जो है कंप्लीट हुआ यहाँ पे इकोसिस्टम। तो एक सेकंड में आप लोगों को मैं JKSSB का जो भी एग्जाम है उसमें मैंडेटरी होता है एनवायरमेंट, आप लोग KS के लिए बैठते हो तो मैंडेटरी है आप लोगों का एनवायरमेंट, आप लोग UPSC के लिए बैठते हो तो मैंडेटरी है आपका, मैंडेटरी है, नेक्स्ट सेट के लिए बैठते हो तो सी सेट में इसमें क्वेश्चन जरूरी आ जाता है। तो याद रखिएगा विदिन ए सेकंड, शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कितने कैसे आप लोग याद रखोगे। देखिएगा हम लोग ने कहा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में सबसे पहले अबायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इनको डिवाइड किया आपने, डिवाइड किया इनऑर्गेनिक में, इनको डिवाइड किया आपने ऑर्गेनिक में, इनको डिवाइड किया आपने एडैफिक में, इनको आपने डिवाइड किया क्लाइमेटिक में। हो गई बात, बात यहां पे कंप्लीट। अब इसके बाद जो दूसरी वाली चीज है वो है बायोटिक, इनको आपने डिवाइड किया सबसे प्रोड्यूसर्स, जो अपना खाना खुद तैयार करे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड अदर सबस्टेंसेस। दूसरे वाला जो लिया आपने वो लिया आपने कंज्यूमर्स, और तीसरे वाला जो आप लोगों ने लिया प्रोड्यूसर कंज्यूमर, और उसके बाद लिया तीसरे वाला डिकम्पोजर। बात समझ में आ गई ना यहाँ पे, ये तो था स्ट्रक्चर आप लोगों के इकोसिस्टम का। अब हम लोग ये लेते हैं टाइप्स किसके इकोसिस्टम के, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक चार्ट पे बता देता हूं, तो चार्ट की तरफ तवज्जो रखिएगा। आपके पास जमीन है, जमीन पे अगर हम लोग देखें 71% जो जमीन की सरफेस है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द वाटर, बचा कितना वहां पे 29% हमारे पास लैंड है। तो सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पानी के अंदर पाए जाए उस वाले इकोसिस्टम को आप लोग कहते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम, यानी एक्वाटिक इकोसिस्टम हम लोग कहते हैं जब इंटरेक्शन होता हो बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, बट कहां पे, पानी के अंदर। तो देखिएगा पानी के अंदर ये ले लेते हैं, अब ये ले लिया पानी, पानी के अंदर अगर हम लोग देखें पानी दो टाइप्स का है,
एक टाइप है जिसमें सॉल्ट्स की तादाद ज्यादा होती है, जिसको आप लोग कहते हो मैराइन वाटर, जो ओशन और सी के दरमियान, ओशन और सी की सूरत में पाया जाता है। तो यहां पे देखिएगा पहले वाला जो है जिसको हम लोग कहते हैं मैराइन इकोसिस्टम, देखिएगा तवज्जो रखिएगा यहां पे मैराइन इकोसिस्टम है। अगर हम लोग वेल ले ले, वेल को जिंदा रहना है तो समंदर चाहिए उसको, ठीक है ना। यहां पे तो यहां पे अगर ले लेते हम लोग रेड एल्गे ले लेते हैं, इसको जिंदा रहना है तो समंदर चाहिए। तो पहले वाला टाइप आ जाता है मैरीन इकोसिस्टम। अब मैरीन इकोसिस्टम आप लोग सिंपली कहते हो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो जिंदा रहते हैं सिर्फ ओशन और सी के अंदर, वो उसके अंदर हम लोग ले लेते हैं हमारे पास। अब ये तो मैरीन इकोसिस्टम है, बाकी पानी जो यहां पे बच जाता है उसको आप लोग कहते हैं फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर कोई ताजा पानी नहीं होता है, तो यहां पे तवज्जो रखिएगा फ्रेश वाटर किसको कहते हैं जिसमें साल्ट की कंसेंट्रेशन लेस हो, लेस साल्ट। अब ये जो फ्रेश वाटर है इसमें रिवर्स आ जाते हैं, इसमें लैक्स आ जाते हैं, इसमें पॉन्ड्स आ जाते हैं, इसमें स्प्रिंग्स आ जाते हैं एक्सेट्रा। अब ये जो हमारे पास दूसरे टाइप का इकोसिस्टम है जिसको कहते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, क्लियर है ना। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में अगर आप लोग देखोगे सबसे पहले पानी जो है लोटिक, लोटिक मीन्स अगर पानी चल रहा हो मूविंग वाटर, जैसे रिवर्स के अंदर हम लोग ले लेते हैं, कैनल्स के अंदर ले लेते हैं, जहां पे पानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता हो वहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उसको आप लोग कहते हैं लोटिक इकोसिस्टम। उसके अंदर देखिएगा जहां पे पानी अब रुका हुआ हो लैंटिक, जैसे हम लोग लैक्स ले लेते हैं, हम लोग पॉन्ड्स ले लेते हैं। ये तो हमने यहां पे क्लासिफिकेशन किसकी कंप्लीट की, मैंने कहा यहां पे पहले वाला एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो आप ले लेते हैं यहां पे दूसरा इकोसिस्टम जो पाया जाए किसके ऊपर, लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, जिसमें आप लोग होके आ जाते हैं सबसे पहले फॉरेस्ट, जंगल जो आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग डेजर्ट ले लेते हैं, उसके बाद अगर टुंड्रा ले लेते हैं, इसके बाद अगर हम लोग ग्रासलैंड्स ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पे ये कौन सा इकोसिस्टम यहां पे हुआ, इसे हम लोग कहते हैं टर्शियरी इकोसिस्टम। ये तो हमने बात करी, किसकी बात करी, इकोसिस्टम की, या तो एक्वेटिक ले लिया या तो टर्शियरी ले लिया। अब ध्यान रखिएगा आजकल तीसरे टाइप का इकोसिस्टम पाया जाता है जिसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक, यानी मैन मेड इकोसिस्टम। देखिएगा घर में आप लोग एक एक्वेरियम ले लेते हो, उसमें मछलियां होती है, मछलियां तब जिंदा रहेंगी जब इनको खाना मिलेगा। आप लोग क्रॉप्स ग्रो करते हो वो तब जिंदा है जब आप लोग पानी उनको दोगे, जब आप लोग उनको न्यूट्रिएंट्स दोगे। तो तीसरे वाला जो आ गया यहां पे वो आ गया आप लोगों का यहां पे एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। तक जो हम लोगों का कंप्लीट हुआ वो हुआ इकोसिस्टम कंप्लीट, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, इकोसिस्टम के टाइप्स कंप्लीट हुए। अब हम लोग उठाते हैं इकोसिस्टम का फंक्शन। देखिएगा अगर कोई बच्चा नीट का एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उनको सबसे ज्यादा मार्क जो होते हैं वो इसी वाले यूनिट में होते हैं, इकोसिस्टम में। अगर आप लोग सीसेट जो है नेट सेट का एग्जाम, उसमें ये मैंडेटरी है इकोसिस्टम। तो यहां पे आप फंक्शन इकोसिस्टम की जो है, इकोसिस्टम की पहली वाली फंक्शन है दैट इज प्रोडक्टिविटी। देखिएगा ये प्रोडक्टिविटी किसको हम लोग कहते हैं, अगर हम लोग बात करें किनकी बात करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो कितना खाना प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, वो कितना खाना स्टोर करते हैं या वो कितना खाना यूज करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हम लोग कहते हैं प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म। यहां पे ध्यान रखिएगा ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स, कितना खाना प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर्स स्टोर्स कितना खाना जमा करेंगे इन द इकोसिस्टम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट वी एट दैट टाइम कॉल इट एज, वी कॉल इट एज प्रोडक्टिविटी। जैसे सूरज की रोशनी जब प्लांट्स पे पड़ती है तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इस दौरान ग्लूकोज बनता है, वो जो ग्लूकोज वहां पे है वो फिर वो आधा अपने लिए यूज करते हैं, आधा स्टोर करते हैं, ये भी यहां पे हुई प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी का पहले वाला टाइप है वो है पहले वाला टाइप
जिसको आप लोग कहते हो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आप देखिएगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम लोग कहते हैं, तवज्जो रखिएगा यहां पे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम लोग कहते हैं प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, सेकंड वन स्टोर एंड थर्ड वन यूज। यानी कितना खाना प्रोड्यूसर प्रिपेयर करेंगे, स्टोर करेंगे या यूज करेंगे, उसे कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सिंपली हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिविटी कहां पे, प्रोडक्टिविटी एट प्रोड्यूसर लेवल। यानी जो प्रोड्यूसर है, चाहे वो फोटो ऑटोट्रॉप्स है या कीमो ऑटोट्रॉप्स है, कितना खाना वो प्रिपेयर करेंगे उस वाले को हम लोग कहते हैं दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के दो टाइप्स है, पहले वाला है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ध्यान रखिएगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम लोग कहते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली की प्लांट कितना खाना फूड को प्रिपेयर करता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद अगर हम लोग ले ले नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको हम लोग कहते हैं, तो तवज्जो रखिएगा ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको कहते हैं, यानी एनपीपी। तवज्जो रखिएगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कितना खाना प्रिपेयर किया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसमें माइनस कर देते हैं दैट इज रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट यानी कितना खाना यूज हुआ, रेस्पिरेटरी रेट जितना यहां पे बच जाएगा वो क्या होगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसके बाद दूसरा ले लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं यहां पे आ गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको आप लोग कहते हो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आपको अपनी बात करें, आप लोग कितना खाना खाते हो, उस खाने में कितना यूज होता है और कितना आप लोग स्टोर करते हो, उसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यानी प्रोडक्टिविटी एट कंज्यूमर लेवल, तवज्जो रखिएगा प्रोडक्टिविटी एट कंज्यूमर लेवल, उसको हम लोग क्या कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब इस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के भी दो टाइप्स है, एक है ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जीएसपी। आप लोग जब खाना खाते हो वो कितना खाना आप लोग एब्जॉर्ब करते हो अपने इंटेस्टाइन से, उसे कहते हैं ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। दूसरा है नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एनएसपी, जितना खाना आपने खाया उसमें कितना यूज होगा, जो बाकी बच जाएगा वो है नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तीसरा जो हम लोग ले लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। आप ध्यान रखिएगा यानी कितना फूड एक कम्युनिटी में, स्पीशीज में, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे बैक्टीरिया हो, कम्युनिटी लेवल पे कितना खाना प्रिपेयर होगा या स्टोर होगा, उसे कहते हैं कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। यानी पहले वाला काम इकोसिस्टम का है वो है प्रोडक्टिविटी। इकोसिस्टम में एनर्जी जो है वो फूड में प्रेजेंट होती है, कितना स्टोर होगा, कितना यूज होगा, कितना ट्रांसफर होगा, वो किस में आ जाता है, वो आ जाता है प्रोडक्टिविटी में। सेकंड वन जो यहां पे ले लेते हैं आप, दूसरे वाली चीज जिस चीज को हम लोग कहते हैं एनर्जी फ्लो। तवज्जो रखिएगा यहां पे, तवज्जो रखना समझ में आ जाएगा। यहां पे आप लोग एक प्लांट ले ले, प्लांट पे जब सूरज की लाइट पड़ती है, लाइट क्या है, एनर्जी। प्लांट इससे क्या बनाता है, लेट अस से प्लांट ने यहां पे ग्लूकोज बनाया। अब प्लांट ने जब यह ग्लूकोज बनाया, ये इस प्लांट को खा लिया शीप ने, शीप को खा लिया मैन ने। यानी यहां पे ग्लूकोज में जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है एक लेवल से दूसरे लेवल में। ये तब ट्रांसफर होगी जब इंटरेक्शन होगा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स के बीच में, इसको हम लोग क्या कहते हैं एनर्जी फ्लो। इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे फूड चेन और फूड वेब। यानी इकोसिस्टम में दूसरे वाला काम जो है वो है एनर्जी फ्लो, यानी एनर्जी का ट्रांसफर यहां पे होना। तीसरी वाली चीज जो हम लोग ले लेते हैं डिकम्पोजिशन, तो तवज्जो रखिएगा डिकम्पोजिशन किसको कहते हैं। आप लोग एक कॉर्पस ले ले, एक डेड बॉडी आप लोग ले ले, इसको आप लोग जमीन के ऊपर रख दे। जमीन के ऊपर जब आप लोग रख दोगे इसको, बैक्टीरिया इसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेंगे। यहां पे ये जो डेड बॉडी है ये है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक अगर है फॉर एग्जांपल इसके अंदर ग्लूकोज है C6H12O6। जब बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किए, क्या प्रोड्यूस किए, एंजाइम्स, यहां पे बनता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसी को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन। यानी ऑर्गेनिक का
इनऑर्गेनिक में ब्रेक डाउन होना, इसी को आप लोग कहते हो डिकम्पोजिशन। यानी डिकम्पोजिशन में यहाँ पे लिविंग, यहाँ पे ये डेड ऑर्गेनिज्म, इनके दरमियान इंटरेक्शन हुआ, तब जाके हम लोगों को छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे मिले। इसके बाद हम लोग अगले वाला उठाएंगे, फोर्थ के बाद हम लोग फिफ्थ उठाते हैं, इसकी फंक्शन न्यूट्रिएंट फ्लो। ध्यान रखिएगा, तवज्जो रखिएगा, एक एग्जांपल से क्लियर कर देते हैं। लेट अस से हम लोग ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। आगे कार्बन डाइऑक्साइड के प्लांट्स ने यूज की, इससे क्या बना, C6H12O6। इसको खा लिया एनिमल्स ने, यानी पहले कार्बन डाइऑक्साइड एयर में था, अब ये कार्बन प्लांट्स में पहुंचा, प्लांट से किन में पहुंचा, एनिमल्स ने जब इनको खा लिया, जब इसकी डेथ होती है तो वापस ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर में पहुंच जाता है। यानी जितने भी पार्टिकल, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम लोगों के इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, एयर में, वाटर में या